हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। बच्चों, इस वीडियो में मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन को अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि ए और बी दो स्टैंडर्ड पॉइंट्स दे रखे हैं, दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, और एक लाइन दे रखा है 3x + 2y + 10 = 0। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड जेई में काफी ज्यादा आते भी हैं, आपको अच्छे से समझना है। देखिए, तो क्वेश्चन को समझने के लिए एक मैंने एक लाइन बना लिया यहाँ पे रेंडमली, और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड ही प्लॉट करना है। लाइन को इस तरह से लिख दीजिए जो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, आपको ए और बी, ये जो दोनों पॉइंट है, उनका पोजिशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है ये जो लाइन है, लाइन के रेस्पेक्ट में किधर है, सेम साइड है या अपोजिट साइड है। उसके लिए तरीका क्या होता है, आप पॉइंट को ले जाके लाइन में रखते हो, तो 3 times पहला वाला ए पॉइंट को रख दीजिए, 2 times 2 + 10, और नीचे अपन डिनोमिनेट बी वाले पॉइंट को भी रख देते हैं, 3 × 2 + 2 × 4 + 10। ये आपको दिख रहा है ओवरऑल कि ये जो रेशियो आएगा दिस इज ग्रेटर देन जीरो। न्यूमरेटर भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये जो रेशियो आएगा दैट इज पॉजिटिव। तो पॉइंट के लाइन के रेस्पेक्ट में जो दोनों पॉइंट है वो आपके सेम साइड होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट आ गया 4, 2, और बी जो अपना है 2, 4, इनको मैंने सेम साइड रख दिया इस लाइन के रेस्पेक्ट में। पहले आप ये चीज जरूर फाइंड आउट करोगे, अगर अपोजिट साइड है तो डायग्राम में आप अपोजिट साइड रखोगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप पहला वाला पॉइंट को लाइन में ले जाके पुट कीजिए, दूसरे वाले पॉइंट को लाइन में ले जाके पुट कीजिए। इफ दिस रेशियो इज पॉजिटिव देन पॉइंट्स आर सेम साइड ऑफ द लाइन। अगर किसी बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं आता तो जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, काफी काम आता है। अगर ये रेशियो आपका लेस देन जीरो है, इट मीन्स पॉइंट्स आर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ लाइन। मतलब एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे, और दूसरा नीचे होगा तो पहला ऊपर, ये कंसेप्ट। अब क्वेश्चन पे आपको एक पी पॉइंट लेना है इस लाइन पे, सच दैट कि पी ए प्लस पी बी जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए मैंने पी ए और पी बी कर दिया, और ए बी को आप ज्वाइन कर दीजिए। आपको लग रहा है ना कि ये तो एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल अगर बना तो ट्रायंगल की इनइक्वालिटी यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए, दैट इज पी ए प्लस पी बी शुड बी ग्रेटर देन ए बी। ट्रायंगल के अंदर किसी भी दो साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी, तो अपने को मिनिमाइज अगर करना है तो पी ए प्लस पी बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू ए बी, ये होनी चाहिए। तो आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो कि पी ए प्लस पी बी को आप तो ए बी के बराबर कर रहे हो। तो पी ए प्लस पी बी अगर ए बी के बराबर हुआ, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो वैलिड नहीं रहा फिर तो। ये तो बोल रहा था ग्रेटर देन ए बी, बट आप क्या कर रहे हो, इक्वल टू ए बी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर वैलिड नहीं रहा तो इट मीन्स ये जो तीन पॉइंट है, दैट इज पी ए और बी, ये जो तीन पॉइंट है ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। तो ये रहा ए बी वाली लाइन, तो यहां से अगर आप देखोगे तो पी पॉइंट फिर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे होना चाहिए ना पी पॉइंट। अगर ये पी ए और बी इसी लाइन पे लाई करेगा, और पी आपका पहले वाली जो एल इज इक्वल टू जीरो लाइन है उस पर लाई कर रहा है, तो पी टेक्निकली फिर तो यहाँ होना चाहिए। अब मैंने पी को यहां रख दिया, अब अपने को चेक करना है इस डायग्राम में क्या ये चीज होल्ड कर रही है। अगर ये होल्ड कर रही है तो पी आपका सिंपली आ जाएगा, आप फिर ए बी लाइन की इक्वेशन लिखिए, और ये लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सॉल्व बोथ लाइन टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो आप पहले चेक करोगे कि क्या ये पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी होल्ड तो कर रहा है ना डायग्राम में, चेक कीजिए जरा। ये देखिए पी और ए यहाँ पे, तो पी ए प्लस पी बी आप ए बी के बराबर कर रहे हो, तो क्या ये वाली चीज, ये जो आपने डायग्राम बनाया, क्या इसमें होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, ये तो गलत बनाया फिर आपने, होल्ड नहीं कर रहा। अब अगर होल्ड नहीं किया तो करेंगे क्या फिर, तो इस केस में आप किसी भी ए और बी में से किसी भी पॉइंट का एक मिरर इमेज ले लीजिए। मान लीजिए ए का मिरर इमेज लिया, किसके रेस्पेक्ट में, उस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये ए डैश आया। अब मिरर इमेज कैसे लेते हैं, तो मिरर इमेज लेने का तरीका होता है बच्चा 4, 2 का इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाता है, x − 4/3 y − 2/2 − 2। 4, 2 को ले जाके लाइन में पुट कर लीजिए, तो ये 12 आ गया, 4 आ गया, प्लस 10,
और नीचे आपका आ गया 13। फाइनली यहां से अगर आप सॉल्व करोगे इसको, ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज -4। तो x की वैल्यू आ जाएगी x -4 इज इक्वल टू -12, y -2 इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8 और y इज इक्वल टू -6। तो a डैश का जो कोऑर्डिनेट आया दैट इज -8, -6। अब अगर आप इस दोनों को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको ये दिख रहा है, ये m पॉइंट होता है, मिरर इमेज है तो परपेंडिकुलर होगा, दिस इज अपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होगा। ट्रायंगल एएमपी, ट्रायंगल एएमपी कॉन्कुरेंट होगा ट्रायंगल ए डैश एमपी के साथ। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्कुरेंट है, कैसे? क्योंकि ये वाली लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, 90 डिग्री दोनों में है आपका और ये वाली साइड लेंथ आपका कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्कुरेंट। कौन से दोनों ट्रायंगल? ये और ये वाली ट्रायंगल हो गए कॉन्कुरेंट आपके। कॉन्कुरेंट है तो लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए डैश। क्लियर है चीजें? तो यहां से आपको मिनिमाइज करना था पी ए प्लस पी बी को, यहां पे मैं लिखता हूं पी ए प्लस पी बी को आपको करना था मिनिमाइज। अब आपने लिखा पी ए इज इक्वल टू पी ए डैश, तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा कि पी ए डैश प्लस पी बी को मिनिमाइज कर लो, आ रहा है ना पल्ले। अब आप ये इस ट्रायंगल पे काम कीजिए, जो अपन ने ऊपर यहां पे जो काम किया था ना, कौन से ट्रायंगल में? पी ए बी ट्रायंगल में। अब काम करेंगे अपन इन ट्रायंगल पी ए डैश और बी, इस ट्रायंगल में अब अपन सेम वही काम करेंगे कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है पी ए डैश प्लस पी बी, दिस इज ग्रेटर देन ए डैश ऑफ बी। दो साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पी ए डैश प्लस पी बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू ए डैश ऑफ बी। तो अब अगर आप चेक कीजिए तो आप इनडायरेक्टली करके आ रहे हो, आप पी ए डैश प्लस पी बी को ए डैश बी के बराबर कर रहे हो। तो अगेन ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो पी पॉइंट आपका कहीं ना कहीं पे ये होना चाहिए। अब इस चीज को चेक करेंगे क्या यहां पे होल्ड कर रहा है, तो पी ए डैश प्लस पी बी इज इक्वल टू ए डैश बी आपकी बार होल्ड कर रहा है। अब अगर होल्ड कर रहा है तब पी कैसे आएगा अपना? पी जो होगा आपका इक्वेशन ऑफ ए डैश बी, लिख लीजिए ए डैश बी लाइन की इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन जो होगी y प्लस सिक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन में 10 और x प्लस 8। यहां से फाइनली y प्लस सिक्स इज इक्वल टू x प्लस 8, y माइनस x इज इक्वल टू 2। ये आपका आ गया a डैश b की इक्वेशन। और ये जो ऑलरेडी पहले से लाइन गिवन है आपका, ये 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन को सॉल्व करना, आपको सॉल्व करना तो बहुत बच्चों वाला काम होता है, नहीं? कैसे? यहां से y की वैल्यू उठाइए 2 प्लस एक्स, तो 3x 2 टाइम्स y के बदले रख देते हैं 2 प्लस एक्स और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2x, 5x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन में 5। सिमिलरली y की वैल्यू कैसे आएगी? 2 प्लस एक्स, 2 माइनस 14 अपॉन में 5 दैट इज माइनस 4 बाय 5। तो P का जो बच्चा कोऑर्डिनेट आया, जो फाइनली आंसर आएगा अपना -14/5, -4/5। ये चीजें, ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको समझना है कि सबसे पहला स्टेप क्या है। आप पहले दोनों पॉइंट की पोजीशन निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इसके लिए कंसेप्ट यहां पे बताया आपको, पोजीशन आ गई, देन आप पी ए और पी बी को ज्वाइन कीजिए, फिर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे काम कीजिए। इफ दिस होल्ड्स इन दिस देन आपका पी डायरेक्ट आ जाएगा। अगर होल्ड नहीं किया तो ए और बी में से किसी का मिरर इमेज लीजिए और फिर ये चीज कीजिए कि ए डैश और ये बी, इनको ज्वाइन कर दीजिए आप डायरेक्ट और इन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए गिवन इक्वेशन के साथ 3x plus 2y plus 10 is equal to 0 के साथ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर कट कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एंड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छे कंसेप्ट आपके सामने लेके आ सकूं एंड और अच्छी चीजें आपको मैं समझा सकूं, जिससे आपका जेई एडवांस, जेई मेन एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम पेज का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक सारा मिल जाएगा, आप वहां पे भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो। इफ यू फील दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।